जम्मू कश्मीर के डोगरों ने एक बार फिर से नार्को टेररिज्म के खिलाफ बोला हल्ला। ड्रग्स का नशा जरा कुछ दिखा रहे हो, ये कोई इंजन नहीं है। याद करो, इतिहास दिखाओ। पिछले 40 साल की मिलिटेंसी और उसके बाद असर चलिया चलिया कि नहीं चलिया। सारे नौजवान हंसते हंसते मां बाप के पीछे कुर्बान हो एक ही नहीं हो। पाकिस्तान ये लगे कि ये डोगरा नसल के है, ये मन गए ही मारी मारी नकांदे। जेले इस बकी कोई उगर बाती आता है अपनी जान की बाजी लाइए उसी पहले मार मकांदे। ये डोगरा उन्हें पड़ती है साजिश रखी नरको टेररिज्म की, नरको टेररिज्म ताकि उग्रवादी बढ़ाना जम्मू की राष्ट्रवादी सोच खत्म करनी है तो इनके आने वाली नसल जेली है चलाइए। टीम जम्मू के चेयरमैन जरावर सिंह जम्वाल ने कल बीते दिन जम्मू में एक बड़ी बाइक रैली का आयोजन भी किया था, जिसमें उन्होंने ये साफ संदेश दिया कि पाकिस्तान से आया हुआ ड्रग्स यहाँ से वह जड़ से खत्म करेंगे। ये जो जो पिस्सू जैसा पाकिस्तान है ना, इसको अपनी औकात बार बार समझाई हमने, 65 में भी समझाई, 71 में भी समझाई, 1999 में कारगिल वॉर में समझाई हमारे रणबांकुरों ने। अक्ल नहीं आ रही है, 40 साल से यहाँ उग्रवाद का तांडव मचाने का षड्यंत्र किया गया। 40 सालों में शायद जम्मू खित्ते का कोई इलाका हो, शायद जम्मू खित्ते का कोई ऐसा चौपाल पंचायत हो जहाँ एक शहीद का मुजस्मा नहीं है। यहाँ दर्शाता है कि जम्मू के लोग, जम्मू खित्ते के लोग प्योरली 200% राष्ट्रवादी हैं और अपनी माँ भारती के लिए मरने के लिए तैयार हैं। उन्होंने 10 सालों में नार्को टेररिज्म लाई, हमारे कितने बच्चों को इस लत में लगाया ताकि एक एक दो दो बच्चे हैं वो इस जद में आए, मर जाएं। डोगरा वंश चलाने वाला कोई ना हो, डोगरा प्रहरी कोई ना हो, डोगरों के लिए बोलने वाला कोई ना हो, ये कोई डोगरा बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री भाई अमित शाह जी को शुक्रिया अदा करूंगा। पत्रकारिता में भी मैंने देखा इतना सीरियसली प्रायोरिटी पे पूरे देश में ड्रग्स के खिलाफ किसी प्रधानमंत्री ने इतना सीरियस व्यू नहीं लिया जितना उन्होंने लिया। सरोवर सिंह जम्वाल ने युवाओं और एडमिनिस्ट्रेशन को कई गुहारें भी लगाई, आइए अब आपको वो भी सुनवाते हैं। एक तरफ हमारे माननीय आदर योग लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी आए दिन बात करते हैं, टेक प्रायोरिटी ऑन ड्रग अब्यूज, टैकल डिसमिनेंस विद आयरन हैंड्स। ये लोहे के हाथ कब बनेंगे, कितने नौजवान हम यहाँ पे खोएंगे, हम सब आपके साथ खड़े हैं। मैं तो ये कहूंगा कि कानून में तरमीम हो, जो नशा ये जहर बेच रहा है जब पकड़ा जाए और ट्रायल कोर्ट में जब प्रूव हो जाए कि ये नशे का सुदागर है उसको सजाए मौत होनी चाहिए। ये टीम जम्मू का ऐलान है।